द इंडियन मसल कार कॉन्टेसा क्लासिक का क्रेज़ आज फिर से लौट आया है। अपने ज़माने की इस पॉपुलर सिडान को आज कौन नहीं जानता होगा। हिंदुस्तान मोटर्स के इंजीनियर्स ने जब पहली बार कॉन्टेसा क्लासिक को असेंबली लाइन पर चढ़ाया होगा तो ये नहीं सोचा होगा कि ये कार फ्यूचर में जाकर इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि हिंदुस्तान में हर कार लवर की ये चॉइस होगी। तो गाइज, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं 90s की कुछ फेमस बॉलीवुड मूवीज़ जिसमें कॉन्टेसा क्लासिक कार को डिस्ट्रॉय किया गया है। लेकिन गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास ही में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं 1997 में आई इश्क मूवी से। 1997 में आई इश्क मूवी जिसमें आमिर खान और अजय देवगन को जूही चावला कॉन्टेसा में बैठा देती है, जिसके बाद वह गाड़ी के ब्रेक फेल करवा देती है और बाद में कॉन्टेसा में बैठा ड्राइवर चलती गाड़ी से कूद जाता है। यहाँ पर गाइस, कार में आमिर खान और अजय देवगन के साथ एक बंदर बैठा होता है जो कि कॉन्टेसा से एक स्टंट दिखाता है, और जब सड़क पर दो ट्रक सामने की तरफ से ओवरटेक करते हुए आते हैं तब वह बंदर कॉन्टेसा को दो टायर पर चला देता है जो कि सिर्फ फिल्मों में ही पॉसिबल है। और यहाँ जब वापस से दो ट्रक आमने सामने आ जाते हैं तो अजय देवगन वापस से कॉन्टेसा को दो टायर पर चलाने के लिए स्टीयरिंग को मोड़ते हैं तो कॉन्टेसा दो टायर पर नहीं आती है और दोनों ट्रकों के बीच से निकल जाती है और ट्रकों की टक्कर से कार की छत निकलकर बाहर फेंक जाती है। उसके बाद वे लोग उस कॉन्टेसा से एक ओल्ड ऑस्टिन को पीछे से ठोककर उसे फुटपाथ की रेलिंग पर चढ़ा देते हैं। बेकाबू कॉन्टेसा आखिर में एक गहरी खाई के पास जाने लगती है और उसके बाद कॉन्टेसा को खाई में गिरा दिया जाता है जहां वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995 में आई अक्षय कुमार की हिट मूवीज़ में से एक रही है जिसमें अक्षय कुमार ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया है। इस मूवी में मोहनीश बैल ने नेगेटिव किरदार निभाया था जिसमें फिल्म के क्लाइमैक्स में मोहनीश बैल कॉन्टेसा लेकर एयरपोर्ट के रनवे पर घुस जाते हैं और अक्षय कुमार साइकिल से उस कॉन्टेसा का पीछा करते हैं जिसको मोहनीश बैल रनवे पर भगाते हैं। वहीं पर गुलशन ग्रोवर एक हेलीकॉप्टर में अक्षय कुमार के पास आ जाते हैं और अक्षय कुमार उस हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाते हैं और उस कॉन्टेसा का पीछा करते हैं जिसको मोहनीश बैल रनवे पर दौड़ाते हैं। अक्षय कुमार हेलीकॉप्टर के पायलट को कॉन्टेसा के ऊपर हेलीकॉप्टर लेने के लिए कहते हैं और जैसे ही हेलीकॉप्टर कॉन्टेसा के ऊपर आ जाता है अक्षय कुमार कॉन्टेसा पर कूद जाते हैं। आपको बता दें, इस स्टंट को 30 बार में शूट किया गया था। अक्षय कुमार कॉन्टेसा की छत पर आ जाते हैं जिसके बाद मोहनीश बैल कॉन्टेसा की स्पीड को और बढ़ा देते हैं और कॉन्टेसा लहराने लगती है जिसकी वजह से अक्षय कुमार का बैलेंस बिगड़ता है और कॉन्टेसा की छत से बोनट पर लटक जाते हैं और नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं और दौड़ लगाने लगते हैं। मोहनीश बैल कॉन्टेसा लेकर अक्षय कुमार के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं एयरपोर्ट पर खड़े हुए प्लेन्स में कॉन्टेसा की टक्कर करवाई जाती है और उन प्लेन्स में ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद भी मोहनीश बैल कॉन्टेसा नहीं रोकते हैं और अक्षय कुमार का पीछा करते हैं। काफ़ी देर कॉन्टेसा दौड़ाने के बाद अक्षय कुमार कॉन्टेसा पर जंप करते हैं और उसके अंदर आ जाते हैं। अक्षय कुमार के कॉन्टेसा के अंदर आने के बाद मोहनीश बैल और उनमें हाथापाई होती है चलती हुई कॉन्टेसा के अंदर, और उसके बाद वह कॉन्टेसा एक प्लेन से टकराकर पलटी खा जाती है और उसमें से मोहनीश बैल बाहर कूद जाते हैं और आग में लिपटी हुई कॉन्टेसा पलटी खाकर पास ही में एक बने शेड में जाकर ब्लास्ट हो जाती है। तभी मोहनीश बैल वहाँ से एक प्राइवेट प्लेन में बैठकर भागने लगते हैं, लेकिन अक्षय कुमार वही कॉन्टेसा जिसमें आग लग चुकी थी वापस से उसी कॉन्टेसा से मोहनीश बैल जिस प्लेन में भागने लगते हैं उसी में टक्कर करवा देते हैं जिसके कारण कॉन्टेसा पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है और अक्षय कुमार उस डैमेज कॉन्टेसा से उतर कर उसका स्टेयरिंग हाथ में लेकर बाहर फेंक देते हैं। अब बात करते हैं 1999 में आई फिल्म बादल की, जिसमें हीरो का रोल बॉबी देओल का था और नेगेटिव रोल आशुतोष राणा ने किया था। इस फिल्म के क्लाइमेक्स में यहाँ पर दोस्तों आशुतोष राणा, एक्ट्रेस मयूरी कोंगो जिनका रोल इस फिल्म में बॉबी देओल की बहन का था, उनको कॉन्टेसा की डिग्गी में किडनैप करके भागने लगते हैं। वहाँ पर भीड़ में भगदड़ मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। आशुतोष राणा मंत्री जी को कॉन्टेसा से बाहर फेंक देते हैं। वहीं पर बॉबी देओल एक जंप मारकर कॉन्टेसा के अंदर दाखिल हो जाते हैं। कॉन्टेसा का ड्राइवर यहाँ पर गाड़ी पर से कंट्रोल खोने लगता है और कॉन्टेसा एक पहाड़ के ऊपर बेकाबू होकर रफ्तार से पहाड़ी पर दौड़ती है और पहाड़ी पर बने एक टूटे हुए खंडर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और वहाँ पर टूटी हुई दीवारों से टकराती है। कॉन्टेसा के दीवार के टकराने के कारण आशुतोष राणा और बॉबी देओल कार के पिछले दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और वह कॉन्टेसा पहाड़ी पर बने एक पत्थर के सहारे रुक जाती है, जिसके बाद आशुतोष राणा और बॉबी देओल में मारपीट होती है और बॉबी देओल आशुतोष राणा से अपनी बहन का पता पूछते हैं। तभी आशुतोष राणा कॉन्टेसा की डिग्गी की ओर इशारा करते हैं और कॉन्टेसा पहाड़ पर से नीचे गहरी खाई में गुड़कने लगती है। बॉबी देओल दौड़कर उसका पीछा करते हैं और कॉन्टेसा नीचे गुड़कती ही जाती है। तभी बॉबी देओल कॉन्टेसा पर जंप करके कॉन्टेसा के आगे आकर गाड़ी को रोकने लगते हैं, लेकिन कॉन्टेसा की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वह उसे रोक नहीं पाते हैं।
वह उनके पैरों के सहारे से कॉन्टेसा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटा सा पेड़ आ जाता है जिसके सहारे वह कॉन्टेसा को इस पेड़ से टिका देते हैं और कॉन्टेसा की डिग्गी को खोलकर अपनी बहन को उसमें से निकाल लेते हैं। और तभी अचानक वह पेड़ जिस पर कॉन्टेसा टिकी हुई थी वह टूट जाता है और कॉन्टेसा एक गहरी खाई में जाकर गिर जाती है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरे सीन में बॉबी देओल को हाथों में काफ़ी चोट लगी थी। दाग द फायर 1999 में रिलीज़ हुई है मूवी जिसमें हीरो का रोल संजय दत्त ने किया था। इस फिल्म के क्लाइमैक्स में जब शक्ति कपूर और चंद्रचूड़ सिंह कुछ एविडेंस लेकर कोर्ट के लिए निकलते हैं तभी वहां पर कुछ गुंडे कॉन्टेसा में बैठकर आ जाते हैं और शक्ति कपूर और चंद्रचूड़ सिंह पर फायरिंग करने लगते हैं जिसकी वजह से पूरे मार्केट में अफरा तफरी मच जाती है कि तभी वहां संजय दत्त की एंट्री होती है और वह उन गुंडों को गोली से उड़ाने लगते हैं। तभी वहां से संजय दत्त शक्ति कपूर और चंद्रचूड़ सिंह को टाटा सेरा में लेकर निकलने लगते हैं कि तभी उनकी गाड़ी के पीछे गुंडे कॉन्टेसा से उनका पीछा करते हैं और टाटा सेरा पर फायरिंग करने लगते हैं कि तभी संजय दत्त टाटा सेरा का रियर ग्लास को तोड़कर उसमें से फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और कॉन्टेसा के ड्राइवर को गोली लग जाती है जिसके बाद वह कॉन्टेसा वहीं रोड पर स्किड हो जाती है और उसके पीछे आ रही स्टैंडर्ड 2000 कार कॉन्टेसा को एक ज़बरदस्त टक्कर देती है और हवा में उछाल देती है और कॉन्टेसा रोड पर गुलाटियाँ खाकर पलटी खा जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो गाइज ये थी कुछ मूवीज़ जिसमें कॉन्टेसा कार को डिस्ट्रॉय किया गया था। अगर आपको भी कोई मूवीज़ का नाम पता हो जिनमें क्लासिक कार को डिस्ट्रॉय किया गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।